नमस्कार, तवांग न्यूज 24/7 में हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव। आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। आज जिले में 49 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। तवांग जिला उद्योग केंद्र द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न पदों के प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना जारी की गई। यूट्यूबर पारस सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अरुणाचल राज्य की एक पुलिस टीम आज चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अरुणाचल राज्य के तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस नाहरलगुन और कैमेंग जिले के टेंगा में PSA ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। यह दोनों संयंत्र प्रधानमंत्री देखभाल कोष के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर कोरोना मरीज के इलाज में अत्यंत सहायक होगा। भारत सरकार का यह निर्णय राज्य में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ZPC लेकी गोम्बू ने आज अग्रिम पंक्ति में कार्यरत जंग पुलिस कर्मियों को ₹15,000 का अंशदान किया। लौ मंडल के स्थानीय ग्रामीण और वहां के पंचायत लीडर ने मिलकर ₹3,65,500 का अंशदान पब्लिक हेल्थ सेंटर लौ को दिया, जिसका उपयोग मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, रक्तचाप नापने की मशीन और दवाइयों को खरीदने में किया जाएगा। आज चिकित्सीय अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलकर खिरमू, लंगपुत्से, वैखर, क्रालिंग में 95 नमूने और पावर हाउस कॉलोनी में 25 नमूने रेंडमली संग्रहित कर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें सभी नमूने निगेटिव पाए गए। इसी प्रकार लौ मंडल के लौदुंग, लुमकांग, लौखर, तिप्सत में, लौ बाजार, पाइगोंग, सुरबू, लुमकांग, DSPD कॉलोनी में 159 ग्रामीणों के नमूने की जांच की गई, जिसमें 8 नमूने कोरोना संक्रमित पाए गए। इस तरह लो सर्किल में अब तक 45 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। यूट्यूबर पारस सिंह द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए वीडियो में अरुणाचल राज्य के विधायक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी और राज्य के निवासियों के प्रति अति संवेदनशील टिप्पणी से संबंधित केस में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आज पुलिसकर्मियों का एक दल चंडीगढ़ रवाना हुआ। अरुणाचल राज्य के स्थानीय अदालत ईटानगर ने पारस सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया है। इस संबंध में भारत सरकार के मोदी मंत्रिमंडल में युवा व खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त से ट्रांजिट हिरासत की न्यायिक प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की बात की, क्योंकि यह एक अंतर्राज्यीय हिरासत का मामला है जिससे अभियुक्त को जल्दी से जल्दी अरुणाचल लाया जा सके। आज अरुणाचल राज्य के पुलिस महानिदेशक ने शाम में एक प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि अभियुक्त को 5 दिन के अंदर लुधियाना से अरुणाचल राज्य में लाया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र तवांग के उप निदेशक द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसके अनुसार तवांग जिले के इच्छुक युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत कोविड-19 से संबंधित विभिन्न पदों के रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु तो आवेदन पत्र 30 मई 2021 तक व्हाट्सएप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार हैं 9436220558 8729946369 8729946369 9862627400। पदों का नाम और योग्यता इस प्रकार है: इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक क्लास 10 पास, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस क्लास 10 पास, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस एडवांस क्रिटिकल केयर क्लास 10 पास, हेल्थ होम आइड क्लास 10 पास, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंस क्लास 10 पास, फ्लो बोटोमिस्ट क्लास 10 पास। मन्योल प्रिजर्व कल्चर के अध्यक्ष तेंजिन जोर्दन और तेंधन कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष लामा नवांग नरबू ने मोम्पा मिमांग छोकपा के अध्यक्ष से
कोरोना संक्रमण के इस कठिन समय में एक पारंपरिक अनुष्ठान करने संबंधित राय मांगी है। अध्यक्ष के अनुसार इस समय पूरा मोम्पा समाज कोरोना संक्रमण महामारी के दौर में मानसिक तनाव व अभिघात से गुजर रहा है, इसलिए परम पावन 14 दलाई लामा से उचित जानकारी प्राप्त करके आवश्यक पारंपरिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। आज तवांग जिले में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 699 नमूने संग्रहित किए गए, जिसमें से 22 नमूने की जांच ट्रूनेट से, 677 नमूने की जांच आरएटी से की गई और 49 नमूने कोरोना संक्रमित पाए गए। आज 25 मई को राज्य में कुल 348 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 8 मरीज कोविड केयर सेंटर, 4 मरीज आर्मी हॉस्पिटल, 7 मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती हैं, साथ ही 329 मरीज एकांतवास अर्थात होम आइसोलेशन में हैं। आज 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को वापस भी लौट गए। एक अति आवश्यक सूचना, कल अर्थात 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर परम पावन दलाई लामा के प्रवचन का हिंदी में सीधा प्रसारण प्रातः 8 बजे से हिमालय के धर्मशाला से हमारे न्यूज़ चैनल पर किया जाएगा। इसलिए आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे तवांग न्यूज़ 24/7 के फेसबुक पेज को फॉलो करें और सीधे प्रसारण का आनंद उठाएं। इस संबंध में हम बताना चाहेंगे कि आप तवांग न्यूज़ 24/7 के फेसबुक पेज को फॉलो करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। फॉलो करना और लाइक करना दोनों अलग है, इसलिए फॉलो करना न भूलें। अंत में हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने घर पर ही रहें, अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत करें। आपातकालीन स्थिति में अगर आप बाहर जाना पड़े तो अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने दोनों हाथों को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही अपने प्रियजनों से और दोस्तों से जो एकांतवास अर्थात होम आइसोलेशन में हैं, उनसे थोड़े थोड़े समय पर टेलीफोनिक वार्तालाप करके उनका मनोबल बढ़ाएं। मनोबल बढ़ाने से मरीज के स्वस्थ होने में समय कम लगता है। इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे आज विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।